ओ हेनरी की उन स्टोरीज में से एक स्टोरी जो इंसान का नजरिया बदल देती है उसकी जिंदगी के लिए। जब लोग जीने की चाह छोड़ देते हैं तो उनमें एक चाह जगा देती है ये स्टोरी, द लास्ट लीफ। ये कहानी है सू एंड जॉनसी की। सू एंड जॉनसी, द टू यंग आर्टिस्ट शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, एक छोटे से फ्लैट में रहा करती थी। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ द हाउस, फ्लैट घर की पुराने घर की तीसरी मंजिल पर हुआ करता था। सू फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर, सू नवंबर में बहुत ज्यादा बीमार हो गई। शी हैड निमोनिया, उसे निमोनिया था। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, वो बिना मुड़े हुए अपने बिस्तर पर लेट जाया करती थी। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर घूर करके देखा करती थी। सू हर फ्रेंड बिकम वेरी वरीड, सू जो उसकी दोस्त थी बहुत ज्यादा उसकी फिक्र किया करती थी। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलवाया, डॉक्टर के लिए भेजा। ऑल दो शी ही केम एवरी डे, हालांकि डॉक्टर हर दिन आया करता था। देयर वॉज नो चेंज इन जॉनसीज कंडीशन, लेकिन जॉनसी की कंडीशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क हर, सू को एक तरफ ले गया और उससे पूछने लगा, इज एनीथिंग वरिंग जॉनसी, क्या कुछ है जो जॉनसी को बहुत ज्यादा वरी करता है या टेंशन देता है। नो रिप्लाइड सू, सू ने जवाब दिया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। व्हाई डू यू आस्क, आप क्यों पूछ रहे हैं। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा कि जॉनसी इट सीम्स, ऐसा लगता है जॉनसी हैड मेड हर अप माइंड, उसने इरादा कर लिया है दैट देयर इज शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वो ठीक होना नहीं चाहती। इफ शी डजंट वांट टू लीव, अगर वो जिंदा रहना नहीं चाहती, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, तो दवाएं उसका कोई मदद नहीं कर सकती। सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉनसी टेक इंटरेस्ट इन द थिंग अराउंड हर, सू ने अपनी पूरी कोशिश करी कि जॉनसी अपने आसपास की चीजों में इंटरेस्ट लेने लगे, बट जॉनसी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉनसी जवाब नहीं दिया करती थी। जॉनसी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, वो अपने बिस्तर के ऊपर शांत लेट जाया करती थी। सू ब्रॉट हर अ ड्रॉइंग बोर्ड इन द जॉनसीज रूम, सू जॉनसी के रूम में एक ड्रॉइंग बोर्ड ले आई एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और वहां पर पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। टू टेक जॉनसीज माइंड ऑफ हर इलनेस, जॉनसी का दिमाग उसकी बीमारी से हटाने के लिए। शी विसेल्ड, वो सीटी बजाया करती थी। व्हाइल वर्किंग, काम करते वक्त सडनली सू हर्ड जॉनसी इज विस्पर समथिंग, अचानक सू ने सुना कि जॉनसी कुछ फुसफुसा रही थी। शी क्विकली रश टू द बेड, वो तुरंत बिस्तर पर दौड़ करके गई। हर्ड जॉनसी, जॉनसी को सुना, काउंटिंग बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ गिन रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की के बाहर देख रही थी। एंड वॉज सेइंग, और कह रही थी, 12, आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड, कुछ देर बाद उसने फुसफुसाया, 11, देन 10, देन 9, देन 8, 7, तब वो 7 कहने लगी। सू एंसिसली आस्क्ड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, सू ने फिक्र करते हुए खिड़की के बाहर देखा, शीशा उसने देखा। एंड ओल्ड आईवी क्रीपर, एक पुरानी आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप, जो आधे रास्ते तक चढ़ी हुई थी ब्रिक वॉल, दीवार के ऊपर, अपोजिट देयर विंडो, उनकी खिड़की के बाहर। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, और बाहर एक तेज हवा, बहुत तेज हवा बाहर चल रही थी। क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव, क्रीपर अपनी पत्तियों को बिखेर रही थी, शेड कर रही थी। वॉट इज इट डियर, सू आस्क्ड, सू ने पूछा कि ये क्या है। सिक्स विस्पर्ड जॉनसी, जॉनसी ने फुसफुसाते हुए कहा कि 6, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब वो बहुत तेजी से गिर रही हैं। 3 days अगो, 3 दिन पहले, देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीप्स, लगभग 100 पत्तियां हुआ करती थी। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, अब केवल सिर्फ 5 बची हैं। इट्स ऑटम, सू सू ने कहा, अभी पतझड़ है तो पतझड़ है, द लीव्स विल फॉल, पत्तियां तो गिरेंगी ही। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई, जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी तो मैं मर जाऊंगी, सेड जॉनसी विथ फिनाल्टी। जॉनसी ने आखिरकार करते हुए अल्टीमेटली ये कह दिया कि जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन फॉर द लास्ट 3 days, मुझे पिछले 3 दिन से ये मालूम चल गया है। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड सू, सू ने जवाब दिया, ये तो बेवकूफी है। आई हैव ओल्ड आई वॉट हैव ओल्ड आई बिलीव टू डू विद योर गेटिंग वेल, ओल्ड आई बिलीव्स का तुम्हारे ठीक होने से क्या वास्ता। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट, डॉक्टर इस बात के लिए कॉन्फिडेंट है, यू विल गेट बेटर, कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। जॉनसी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉनसी ने कुछ नहीं कहा। सू वेंट, सू चली गई एंड ब्रॉट अप अ बाउल ऑफ सूप, एक सूप का एक कटोरा ले आई। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप,
सेड जॉन सी। जॉन सी ने कहा कि मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूं। नाउ देयर आर ओनली फोर लीव्स लेफ्ट आउट, अब सिर्फ चार पत्तियां बची हैं। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूं, द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट डार्क, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, आखिरी पत्ती कब गिरेगी। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, तब मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। सी सैट ऑन जॉन सीज बेड, सीव जॉन सी के बिस्तर पर बैठ गई, किस्ड हर, उसे किस किया और कहने लगी, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मरने वाली हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टन, मैं पर्दा नहीं खींच सकती, फॉर आई नीड द लाइट, क्योंकि मुझे रोशनी की जरूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मैं पेंटिंग को खत्म करना चाहती हूँ, एंड गेट सम मनी फॉर अस, और अपने लिए कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ, प्लीज माई डियर फ्रेंड, मेरी प्यारी दोस्त। शी बेग्ड जॉन सी, उसने जॉन सी से मांगते हुए कहा, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट, जब मैं पेंट करूं, जिस दौरान मैं पेंट करूं, खिड़की के बाहर मत देखना। ऑल राइट सेड जॉन सी, जॉन सी ने कहा, ठीक है, फिनिश योर पेंटिंग सून, अपनी पेंटिंग को जल्दी खत्म कर देना, फॉर आई वॉन्ट टू सी, क्योंकि मैं देखना चाहती हूं, द लास्ट लीफ फॉल, आखिरी पत्ती को गिरते हुए। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतजार करते करते थक गई हूं, आई हैव टू डाई, मुझे मरना है, सो लेट मी गो अवे पीसफुल्ली, और मुझे शांति से जाने दो, लाइक वन ऑफ दोज पुअर, उन बेचारी टायर्ड लीफ, थकी हुई पत्तियों की तरह। Try to sleep, said Sue. Sue ने कहा, सोने की कोशिश करो। I have to paint an old miner. मुझे एक old miner की तस्वीर को पेंट करना है। I'll call Bearman up to my model. मैं Bearman को अपना मॉडल दिखाना चाहूंगी कि मैंने किस तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से माइनर की पेंटिंग की है। Sue rushed down. Sue जल्दी से नीचे दौड़ती हुई गई। Bearman lived in the ground floor. वो ग्राउंड फ्लोर पर रहा करता था। He was 60-year-old painter. वो 60 साल का एक पेंटर था। His lifelong dream was to paint a masterpiece. उसका जिंदगी का एक ख्वाब था कि वो एक मास्टरपीस बनाए। But that had remained a dream. लेकिन ये ख्वाब रह गया था। ये सिर्फ एक ख्वाब ही रह गया था। She poured out her worries to Bearman. उसने Bearman की अपनी सारी चिंताओं को उंडेल दिया। So she told him, उसने उसे बताया कि how Johnsy was convinced, किस तरीके से Johnsy को यकीन हो गया था that she would die when the last leaf fall, कि जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी तो वो मर जाएगी। Is she stupid? Asked Bearman. Bearman ने पूछा, क्या वो बेवकूफ है? How can be so foolish? वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? She is running a high temperature, complained Sue. सू ने शिकायत करी कि उसे बहुत तेज बुखार आ रहा है। She refuses to eat. उसने खाने से मना कर दिया है, और ड्रिंक और पीने से। That worries me a lot. इसकी मुझे बहुत ज्यादा फिक्र होती है। I'll come with you. मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। With you and see Johnsy. और Johnsy को देखूंगा। Bearman said. Bearman ने कहा। They tiptoed into the room. वो कमरे में अपनी चप्पलों की आवाज करते हुए चले गए। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। सू ड्रू द कर्टन, सू ने पर्दों को हटा दिया। टुगेदर एक साथ, एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, वो अगले कमरे में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, उसने खिड़की से बाहर झांक करके देखा। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, सिर्फ क्रीपर के ऊपर, उस बेल के ऊपर केवल एक पत्ती बची थी। इट वॉज रेनिंग हैवली, बहुत तेज बारिश हो रही थी। आईवी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, तेज ठंडी हवा, आईसी कोल्ड विंड बह रही थी। इट सीम्ड, ऐसा लगता था एस दो जैसे कि द लीफ वुड फॉल एनी मोमेंट नाउ, किसी भी पल, किसी भी मिनट वो पत्ती गिर सकती थी। Bearman did not say a word. Bearman ने एक भी शब्द नहीं कहा। He went back to his room. वो अपने कमरे में वापस चला गया। Johnsy woke up the next morning. Johnsy अगली सुबह जाग गई। In a feeble voice, एक कमजोर आवाज में, she asked Sue. उसने सू से पूछा, to draw the curtain, पर्दे को हटाने के लिए। Sue was nervous. Sue बहुत परेशान थी। She drew back the curtain. उसने पर्दे को हटा लिया। Very reluctantly, मतलब बिना इच्छा के साथ पर्दे को हटा दिया। ओह, तो Sue exclaimed. Sue ने आश्चर्य के साथ कहा। As she looked at the vine creeper, जब उसने vine creeper पर देखा, look, there is one leaf. यहाँ पर अभी भी एक पत्ती है। उसने ये इशारा करते हुए कहा कि अभी यहाँ पर एक पत्ती है। On the creeper, it looks quite green. ये काफी हरी भरी लग रही है, एंड हेल्दी, और काफी हेल्दी भी लग रही है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म, तूफान के बावजूद, एंड द फायरसी विंड, और तेज हवा के बावजूद, इट डिडंट फॉल, ये नहीं गिरी। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात हवा को सुना था, सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड हैव फॉलन, कि ये गिर गई होगी। इट विल श्योरली फॉल टूडे, ये पक्का ही आज गिर जाएगी। देन आई विल डाई, तब मैं मर जाऊंगी। तो यू वोंट डाई, तुम नहीं मरोगी।
स्यू एनर्जेटिकली, स्यू ने एनर्जेटिकली कहा, एनर्जी के साथ कहा, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना है. वॉट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा. जॉनसी स्माइल्ड वीकली, जॉनसी बहुत कमजोरी से मुस्कुराई एंड क्लोज्ड हर आईज, उसने अपनी आंखों को बंद किया. आफ्टर एवरी आवर, हर एक घंटे के बाद, सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, इसलिए वो खिड़की के बाहर देखा करती थी. एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और पत्ती को तब भी वहां पाया करती थी. इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा लगता था कि ये क्रीपर से चिपक गई है, बेल से चिपक गई है. इन द इवनिंग, शाम में, देयर वॉज अनदर स्टॉर्म, एक और तूफान आया. बट द लीफ डिडंट फॉल, लेकिन पत्ती नहीं गिरी. जॉनसी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, पत्ती पर देखते हुए काफी लंबे समय तक लेटी रही. देन शी कॉल टू द सू, तब उसने सू को बुलाया. आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं काफी बुरी लड़की रह चुकी हूँ. यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने मेरी इतनी प्यार से देखभाल करी. एंड आई हैवंट कोऑपरेटेड यू विद यू, और मैंने तुम्हारा सहयोग नहीं किया. आई हैव बीन डिप्रेस, मैं उदास हूँ. एंड ग्लूमी, और उदास हूँ. तो द लास्ट लीफ हैज शोन मी, और आखिरी पत्ती ने मुझे दिखा दिया. हाउ विक्ड, कितनी दुष्ट आई हैव बीन, मैं रह चुकी हूँ. आई हैव रियलाइज्ड, मुझे एहसास हो गया है. इट्स सिन टू वॉन्ट टू डाई, मरने की इच्छा करना पाप होता है. सीव हग जॉनसी, सीव ने जॉनसी को गले लगा लिया. देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप, और उसे बहुत ज्यादा गर्म सूप दिया. अ मिरर, एक आईना दिया. जॉनसी कॉम्ब्ड हर हेयर, जॉनसी ने अपने बालों को कंघा किया. एंड स्माइल्ड ब्राइटली, और तेजी से मुस्कुराने लगी. इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, दोपहरी में डॉक्टर आया. आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, अपने पेशेंट का निरीक्षण करने के बाद, ही टोल्ड सू, उसने सू को बताया, जॉनसी नाउ हैज अ विल टू लीव, अब जॉनसी की इच्छा जीने की है. आई एम कॉन्फिडेंट, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, शी विल रिकवर सून, कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी. नाउ आई मस्ट गो टू द डाउन स्टेयर्स, अब मुझे नीचे जाना है. सी बेहरमैन, बेहरमैन को देखना है. तो ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, उसे निमोनिया हो गया है. बट आई एम एफ्रेड, लेकिन मुझे डर लग रहा है. देयर इज नो होप फॉर हिम, कि उसके जीने की कोई इच्छा नहीं. द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम, अगली सुबह सू आई और जॉनसी के बिस्तर पर बैठ गई. टेकिंग जॉनसीज हैंड इन हर्स, जॉनसी का हाथ अपने हाथों में लेकर के, शी सेड, उसने कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है. मिस्टर बेहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, इस सुबह बेहरमैन निमोनिया से मर गया. ही वॉज इल, वो बीमार था. फॉर ओनली टू डेज, दो दिन से. द फर्स्ट डे द जेनेटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन जेनेटर ने उसे अपने बिस्तर पर पाया. हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर वेट, उसके कपड़े और उसके जूते गीले थे. एंड शी वॉज शिवरिंग, और वो कांप रहा था. ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, वो उस तूफानी रात में बाहर गया हुआ था. Then they found a ladder, तब लोगों को एक सीढ़ी मिली. And the lantern, तब एक lantern मिली, still lighted, अभी भी जली हुई थी. Lying near his bed, उसके बिस्तर के पास पड़ी हुई. There were also some brushes, कुछ brushes पड़े हुए थे. And green, जो हरे थे. And yellow paint, और yellow paint पड़े हुए थे on the floor near the ladder, ladder के पास में. जॉनसी डियर, सू, सू ने कहा, look out of the window, खिड़की के बाहर देखो. Look at the ivy leaf, उस आईवी लीफ पर देखो. हैवंट यू वंडर्ड, क्या तुम्हें सरप्राइज नहीं होता. व्हाई इट डजंट फ्लटर, कि ये फड़फड़ाती क्यों नहीं. व्हेन द विंड ब्लोस, जब हवा चलती है. दैट इज बेहरमैन्स मास्टरपीस, यही बेहरमैन का मास्टरपीस है. ही पेंटेड इट द लास्ट नाइट, ही पेंटेड इट द नाइट, उसने उस रात इसे पेंट किया था. द लास्ट लाइट फेल, लास्ट लीफ फेल, जब आखिरी पत्ती गिर गई थी. तो आखिरी पत्ती गिर गई, ओ हेनरी की ये कहानी हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हमें किसी भी हालात में जीने की इच्छा को नहीं छोड़ना चाहिए. अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए. व्हाट इज जॉनसीज इलनेस? श्योरली जॉनसी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया. व्हाट कैन क्योर हर, द मेडिसिन और विलिंगनेस टू लीव? आप क्या कहेंगे? द विलिंगनेस टू लीव, जीने की इच्छा. डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉनसी हैज इज कॉमन अमंग टीनेजर्स? जो जॉनसी को जीने, जॉनसी की डिप्रेशन की इच्छा थी, आजकल टीनेजर्स में कॉमन हुआ करती है. ये सच है, आजकल के टीनेजर्स बहुत ज्यादा जल्दी डिप्रेस हो जाया करते हैं और उदासी से भर जाते हैं. लेकिन ऐसी कहानियों को पढ़कर उनमें एक जीने की इच्छा जाग सकती है. बेहरमैन हैज अ ड्रीम, बेहरमैन का एक ख्वाब था. वॉट इज इट, ये क्या था? डज इट कम टू ट्रू, क्या ये सच हुआ? हाँ, बेहरमैन का ख्वाब था कि वो एक ऐसा मास्टरपीस बनाए जिसे दुनिया जाने. यस, इट केम टू ट्रू, ये सच हुआ. व्हाट इज बेहरमैन्स मास्टरपीस? द लास्ट लीव वॉज बेहरमैन्स मास्टरपीस.
लास्ट लीफ बेहरमैन का आखिरी मास्टरपीस था। लास्ट लीफ, व्हाट मेक्स यू सो से, स्यू ने ऐसा क्यों कहा? बिकॉज इट सेव द लाइफ ऑफ जॉन सी, क्योंकि इसने जॉन सी की जिंदगी को बचाया था। हैव यू एवर फेल्ट डिप्रेस्ड और रिजेक्टेड? अब आपको बताना है, क्या आपने कभी उदास या रिजेक्टेड महसूस किया है? हाउ डू यू ओवरकम सच फीलिंग्स? आप ऐसी इच्छाओं के ऊपर कैसे काबू पाते हैं? शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स, क्लासमेट्स के साथ अपने अनुभव को शेयर करिए। थैंक यू।